हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, कंसर्ट टेक कंपनी हायर कर रही है जोमेटो प्रोसेस के लिए, जो कि फुल्ली वर्क फ्रॉम होम का जॉब है। तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वर्किंग डेज है, क्या वर्किंग आवर्स है, क्या वीक ऑफ डेज है, क्या सैलरी है, क्या सैलरी डिटेल मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार आप कंसर्ट टेक में वर्क फ्रॉम होम के लिए, जोमेटो प्रोसेस के लिए, नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंसर्ट टेक हायर कर रही है रांची लोकेशन के लिए। रांची में दो लोकेशन है कंसर्ट टेक का। पहला जो लोकेशन है वो कांकेर रोड का है, दूसरा जो लोकेशन है वो डोरंडो लोकेशन के लिए है, मतलब डोरंडो रोड के लिए लोकेशन के लिए कंपनी हायर कर रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वैसे कैंडिडेट जिनकी 12 कंप्लीट हो चुकी है, बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, वो अप्लाई कर सकता है बाय वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू। और मैं सैलरी की अगर यहाँ पर डिस्कस कर लें तो सैलरी जो है एज अ फ्रेशर को कंपनी 12,000 पे कर रही है, कैश इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ। CTC 14,000 से 15,000 कंपनी पे कर रही है फॉर फ्रेशर कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट एक्सपीरियंस है ऑलरेडी किसी कंपनी में, एटलीस्ट 6 मंथ तक जॉब किया है, मतलब उसके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, तो उसको कंपनी आपको पे करेगी 15,000 रुपीज़ कैश इन हैंड। CTC की बात करें तो 17,000 से लेकर 18,000 से CTC जा सकता है, ये डिपेंड करता है उसके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्किंग डेज की बात करें तो मंडे टू सैटरडे वर्किंग डेज होगा। वर्किंग आवर्स की बात करें तो 8 आवर्स का नेट लॉगिन करना होगा, जो कि रोटेशनल शिफ्ट होगा, ये कोई फिक्स शिफ्ट नहीं है दोस्तों। वीक ऑफ डेज की बात करें तो 1 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, जो आपके टीम लीडर के अकॉर्डिंग होगा। सैलरी जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे कैंडिडेट जो कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बाय वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू। आपको करना कुछ नहीं है, मेरी इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, डू कमेंट एज आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद मैं आपका CV लूँगा, CV जो है आपका HR को मैं ट्रांसफ़र करूँगा। अगर आपका CV जो है शॉर्टलिस्टेड होता है तो मैं HR से पूछूँगा कि सर इस बंदे का CV जो है वो शॉर्टलिस्टेड होता है, हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आपको कॉल जाएगा, कॉल जाने के बाद आपके इंटरव्यू राउंड कंडक्ट किए जाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर लेते तो आपको कंसर्ट टेक से बड़ी कंपनी में आपकी जॉब जो है वो हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पे आप बिल्कुल 12 वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर कैंडिडेट की एज जो है वो 18 प्लस है तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी बंदे का कंसर्ट टेक में सिलेक्शन हो जाता है और किसी भी ब्रांच के लिए अगर वो रेफरेंस करता है, तो रेफरेंस करने के बाद वो किसी भी कैंडिडेट को मतलब ये रेफरेंस करके पैसे अर्न कर सकता है। तो फिलहाल जो है मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि वैसे कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। हायरिंग चल रही है जोमेटो प्रोसेस के लिए, नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।